बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। किस किसने शेयर किया है? खान बाबा के बारे में कुछ बताओ। मैं खान बाबा के ऊपर जा रही हूँ, हमारे बेचारे इमरान खान। जीवे इमरान खान, हम सबका इमरान खान। बुशरा बीबी ने आज काली चादर ओढ़ ली है क्योंकि बेचारे इमरान खान के ऊपर इतना तशद्दुद हो रहा है। इमरान खान बस में अभी आपको मैं एक इमरान खान का जो है एक वीडियो दिखाना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप देखना चाहेंगे। मगर उससे पहले एक्चुअली लेट मी सी, ये कौन सा वाला वीडियो पहले खुला हुआ है? हाँ, ये वाला पहले हम इस पे बात करें, इस पे बात करते हैं। इमरान खान की एक नई वीडियो मेरे सामने आई है और मुझे देखकर इतना दुख हो रहा है कि मेरा टाइगर, मेरा कप्तान, उसको इस हालत में घूमना पड़ रहा है। मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, आंखें क्यों नहीं फूट गई? और अगर आप वंडर कर रहे हैं कि मैंने ये ग्रीन चश्मा क्यों लगाया है, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, पक्की मोमिना बन गई हूँ। मैंने ये ग्रीन जो है ना हरा रंग, हरी टोपी पहनते हैं, तो मैंने कहा मैं हरा चश्मा पहनूंगी, हरा होना चाहिए, बस हरा भरा होना चाहिए। तो ये हमारे इस्लाम का नया ये है सिंबल है, ठीक है। अरे मेरा हराम कुत्ता भी आ गया और हरामी हरकतें करना शुरू हो गया। क्यों मेरे ग्रोप पे बैठ गए हो आकर? मेरी बेटी दुनिया कैसी है माली जी? वो ठीक है आजकल, बड़ा उसका दिमाग खराब हुआ है, उसको मैं टाइट कर रही हूँ उसके स्क्रू आजकल, तो ठीक है। वरना अभी मैंने उसको बैठाया हुआ है, तुम ना टीवी देखोगी ना फोन पे बैठोगी, बस बैठ के रीड करो। मम्मी को कभी कभार स्ट्रिक्ट करना बोलना पड़ता है। अच्छा, तो खान बाबा के बारे में बात कर रहे थे हम। हमारे इमरान खान है, उनको अरेस्ट करने के होते हैं, उनपे गोलियां भी चल चुकी हैं, उनको धमकियां भी आ रही हैं, उनके घर पे रेड भी पड़ रहे हैं। अब क्या बताएं कि उनके ऊपर कौन सा ऐसा सितम है जो ना हुआ हो अभी तक, ठीक है ना? मेरे महबूब पर इतने सितम ही सितम, जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। इमरान खान तेरी कसम, मैं अपना झक मार रही हूँ यहाँ पे जो है ना, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मुझको तो इंडियन आइडल में होना चाहिए था, या पाकिस्तानी आइडल की कोई, हाँ एक आई थी ना कोई किस, मैं सऊदी आइडल में चली जाती हूँ, वहां बुरका पहन के मैंने यही गाना गाना है। मैम सुना है कि वो आजकल इमरान खान टर्कियों की तरह बात करता है। नहीं, आप ऐसी बातें मत करें, ठीक है ना? आप ये झूठी अफवाहें मत फैलाएं। आजकल चैट जो कौन सी है, GPI चैट, AI चैट, पता नहीं क्या क्या आ गया है, तो अब तो आप हर चीज जो है, हर चीज फेक है, फेक बना सकते हैं, मगर मेरी अभी तक किसी ने कुछ फेक नहीं बनाई यार। कुछ कर लो मेरे दुश्मनों। अच्छा, तो ये एक वीडियो आई है, मेरे देखकर मेरा तो दिल ऐसा दुखा है। अरे देखो मेरे इमरान खान को बुर्का पहना दिया इन्होंने। मुझे तो लग रहा है नवाज शरीफ ने असल में रियासत मदीना ले आए हैं। मैं तो कहती हूँ ये रियासत मदीना ही है जहाँ पे मर्दों को अपनी शक्ल कवर करनी पड़ रही है। ये कैसा दिन भी देखना था अल्लाह मियां, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है, मर्दों ने बुर्का पहन लिया है। हाय हाय हाय, अब तो ये औरतें नंगी होंगी, अब तो ये औरतें नंगी होंगी जब मर्द, ये कयामत की निशानी है, ये कयामत की निशानी है। आप देखो जिस दिन मर्द अपनी शक्ल कवर कर लेगा, ये यार ये तो ऐसा लग रहा है वो रोबोट नहीं होते हैं, रोबोट के मुंह पे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ना इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के घूमते हैं रोबोट के। और ये देखो इन्होंने कंधा पकड़ा हुआ है उनका, जस्ट इनके इसके कंधे पे गोली लग जाए, नहीं इन्होंने सर ये पकड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोऊं कि मैं हंसूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन बड़ी हो रही है। ये कंधा पकड़ा हुआ है इन्होंने ताकि टोपी उड़ ना जाए। हाँ अच्छा,
ये कह रहा है और करीबा करीबा तू कहाँ भाग रहा है खान साहब को। अच्छा नीचे किसी ने भी बुलेट प्रूफ नहीं की है, सर को बचाया हुआ है सिर्फ नीचे, यानी गोली लगेगी तो ये बेचारे आएंगे, इन बेचारों को गोली लगेगी। देखो अच्छा इन्होंने यहाँ बुलेट प्रूफ पहनी है इन्होंने, और चुतड़ में लग गई गोली तो, चुतड़ में पिछवाड़े में लग गई गोली तो, फिर पिछवाड़े में गोली लग गया है तो यहाँ क्या बुलेट प्रूफ आपने एस क्लोथिंग पहनी है, क्या पहना है, हॉकी जॉक पहना है, क्या पहना है, नीचे क्या पहना है मेरे को ये भी दिखाओ, आई वॉन्ट टू नो कि नीचे क्या पहना है। ये स्पेशल मुर्गा नहीं, ये मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरे कप्तान को नीचे भी तो गोली लग सकती है, नीचे वाला तो ज्यादा बचाना चाहिए। हाँ नीचे वाला जबर हो जाए और आप जिंदा रह जाएं और आपको नीचे कटवाना पड़ जाए पूरा, तो फिर आप कैसे जिंदा रहेंगे, इससे बेहतर तो मौत ही दे देते अल्लाह मियाँ। वो देखिए अल्लाह मियाँ अल्लाह मियाँ अल्लाह मियाँ, इमरान खान का भरोसा अल्लाह मियाँ से उड़ गया है लगता है। अल्लाह मियाँ के हवाले कर देना आप अपने आप को, अल्लाह मियाँ के हवाले करने आप इमरान खान जी, अल्लाह मियाँ आपको बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे, हमारे अल्लाह मियाँ सब कुछ कर सकते हैं, वो आपको जरूर बचाएंगे, आप अपने आप को अल्लाह मियाँ के हवाले करने सौंप दे उनके हाथों में, वो आपको जरूर बचाएंगे, आपको कहीं भी गोली नहीं लगेगी, गोली आपको छू के निकल जाएगी, आप हमारे मसीहा हैं, आप यूं जैसे आपके पाँव में गोली छू के निकल गई थी ना, देखिए वो भी तो अल्लाह मियाँ का एक क्या बोलते हैं उसको, मौजजा था, है ना, मिरेकल था ऑफ गॉड, मिरेकल ऑफ गॉड के आपको कैसे वो गोली आई और छू के निकल गई और आपको खराश भी नहीं आई, मगर फिर भी आप लंगड़ा लंगड़ा के चलते रहे पता नहीं कितने अरसे तक। सो ये हमारे हमारे कयामत की निशानियां है, देख लें आप लोग मोमिनो, ये तुम्हारे तुम लोग अगर बाहर नहीं निकले ना हमारे इमरान खान के लिए, दिस इज इट, दिस इज इट, अब नेक्स्ट आपको क्या देख रहे हैं, नंगी लड़कियां सड़क पे आ जाएंगी, ये चश्मा मेरे मोमिन होने की निशानी है, ये हरा रंग ये इस्लाम का रंग है, इस पे आप मजाक मत उड़ाइए। तो ये तो थे हमारे इमरान खान, अब क्या बताएं हम कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान लुट गया, ये यहूदी साजिश है, ये इंडिया वालों ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा कश्मीर के पीछे लगा कर, कहीं का नहीं छोड़ा, चाइना वाले भी आकर हमको खा रहे हैं, अरे हमको कोई भीख भी नहीं दे रहा, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, नहीं हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या करने, हम है मुसलमान, वी डोंट गिव अप, ऐसे ही थोड़ी हम लोगों के अंदर घुस के उनका जीना हराम करेंगे, तुम लोग हमें करते हो हम तुम्हारा जीना हराम करेंगे, मैं बताती हूँ कैसे करेंगे, तुम लोग क्या समझ रहे हो, हाँ हमारे पास भी हमारे हथकंडे हैं, वी हैव आर हथकंडाज ऑन आर हैंड्स, ओके हाँ। खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, जाओ और टीम बनाओ। हम ये करेंगे, हम तुम्हारी रोडों को रोकेंगे, हम तुम्हारी रेलगाड़ी के आगे आ जाएंगे, हम तुम्हारी सड़कों के बीच में खड़े होकर तुम लोगों को तंग करेंगे, तुम लोगों के पिछवाड़े में उंगली डालेंगे, तंग करेंगे हम ये करेंगे, और करो तुम हमारे साथ ये हरकतें, हम तुमको दिखाएंगे कि इस्लाम कितनी जल्दी से फैल रहा है। बाय द वे ये बंदा क्यों खड़ा हुआ है, ये एक बच्चा क्यों खड़ा हुआ है, इसको किसी ने छितर मार के क्यों नहीं बैठाया इसको, ये तो सब बैठे हैं यहाँ पर, तू क्यों खड़ा हुआ है, तू जमात पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है ये, व्हाट इज दिस हैपनिंग, सीरियसली इट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। पीछे क्या लिखा, देहाती हिंदी क्या लिखा है, में लिखा था देहाती, देहात मतलब गांव नहीं, अगर कोई रमजान के महीने में खाता हुआ पकड़ा जाएगा तो वो कमीने को हम छितर लगाएंगे, ऑल गुड हिंदूज विल गो टू नार्क, नार्क व्हाट इज नार्क, सलमान खान को ये कोई बुलाओ मम्मी नहीं तो लगता है, मिलेगा यार, ये कोई कैसे मम्मी ये नहीं बात लगता है। कर रहे हो तुम लोग यार, सीरियसली आपकी वीडियो लिंक मदरसा वाली द वायर में पोस्ट किया तो पढ़ के डिलीट कर देते हैं, कौन डिलीट कर देते हैं यार, मेरी सारी तुम लोग चीजें उठा उठा के डाल रहे हो यूट्यूब पर, मेरी सुलग जाती है नीचे से, मेरे इतने अच्छे अच्छे रोस्ट पे, ए नगिंदर नगिंदर, मेरे इतने अच्छे अच्छे रोस्ट वीडियोस पे 2-2 लाख 3-3 लाख व्यूज,
और कमीनो तुम लोग मेरा नाम भी नहीं डालते उसमें नीचे कि भाई वीडियो कहां से उठाई है। नहीं, बड़े बड़े चैनल उठाकर मेरी वीडियोस बना रहे हैं, खूब पैसे छाप रहे हैं, तुम लोगों को सबको मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक मारनी है। मेरा इतना अच्छा रोस्टिंग मटेरियल मौलाना के ऊपर, तुम लोग अपना मटेरियल बना के डाल देते हो। रिएक्शन कौन सा किड्डा रिएक्शन, तुम लोगों के रिएक्शन पे रिएक्शन दूंगी मैं, हाँ, और फिर उसमें पैसे कमाऊंगी मैं। पैसे कमाने से याद आया कि आप लोग जो है हमको सुपर चैट के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।